बेसिकली मैं एक एनईडी का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जिसने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और उसके बाद मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी फील्ड में ही जॉब्स के लिए, जॉब्स को ढूंढने के लिए मैं निकला. तो क्योंकि उस टाइम जॉब्स नहीं मिल सकी और पेंडेमिक हुआ और कोरोना की वजह से हम जॉब फाइंडिंग बहुत ही मुश्किल टास्क हो. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा जजरी और मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तखार अहमद. आज काफ़ी टाइम बाद हम व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक एम में. और हम कहाँ आए हैं इफ्तखार, आप ये भी बता दें. आज का जो हमारा व्लॉग है वो है मीट गोश्त के हवाले से. एक गोश्त की मीट की शॉप है, लेकिन वो नॉर्मल शॉप आप देखते हैं उससे हट कर है ये. क्यों इफ्तखार? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है. इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके पास वैराइटीज़ मौजूद हैं. तो देर नहीं करते हैं, आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं और पूरा इन्वायरमेंट दिखाते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है गोश्त सेल किया जा रहा है. जी दोस्तों, अब हम इस शॉप के अंदर आ गए हैं और आपको हमारे पीछे नज़र आ ही रहा होगा कि ये एक मीट की शॉप है. और हमारे साथ कौन मौजूद हैं? हमारे साथ मौजूद हैं बहजाद, जो इस शॉप के ओनर हैं, और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है जो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद अली है और मैं आपको अमानी फ्रेश मीट में खुशामदीद कहता हूँ. बेसिकली मैं एक एनईडी का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जिसने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और उसके बाद मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी फील्ड में ही जॉब्स के लिए, जॉब्स को ढूंढने के लिए मैं निकला. तो क्योंकि उस टाइम जॉब्स नहीं मिल सकी और पेंडेमिक हुआ और कोरोना की वजह से हम जॉब फाइंडिंग बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया था. तो फिर मैंने एक अल्टरनेटिव वेज, ठीक है, फॉर अर्निंग रिसोर्स देखा, और फिर मैंने मार्केट सर्वे स्टार्ट करना शुरू किया कि मैं किस तरीके से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता हूँ, अपने फ्यूचर को आगे लेके चल सकता हूँ. तो फिर मैंने देखा कि एक मार्केट में हमारे पास एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, और वो वैक्यूम बेसिकली था मीट प्रोडक्ट्स या फिर फूड प्रोडक्ट्स जो भी हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में. तो माशाल्लाह से, क्योंकि मेरे फादर एक्सपोर्ट बिज़नेस के हवाले से, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से मीट प्रोडक्ट्स को, तो और मैंने बाहर की मीट शॉप्स को भी ऑब्जर्व करा है कि किस हाइजीन के साथ, किस क्वालिटी के साथ वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके चल रहे हैं. तो मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना इतने बड़े मार्केट है हमारे पास कराची में और पाकिस्तान में, क्यों ना इसको लोकली इंट्रोड्यूस करा जाए. देन मूविंग फॉरवर्ड, तो ये आइडिया मुझे क्लिक करा, ये आइडिया मैंने अपने एक फादर के साथ शेयर करा, उन्होंने मुझे गो अहेड दिया. एंड देन मैंने कराची में हमारा द वेरी फर्स्ट आउटलेट अमानी फ्रेश मीट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया. अब लोकली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है इन कराची, एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन फिनोमिनल फॉर अस. और जब हमने स्टार्ट किया, मेरे पास हमने तीन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटीज़ बनाया कि हमारी हाइजीन, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइसेस. क्योंकि हम मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास दुकानें तो भरी हुई हैं, हम लोग शूज़ तो एक हाई क्लास प्रोफाइल शेल्फ से बाय कर लेते हैं, लेकिन जब बात खाने की आती है, जो चीज़ आपके अंदर कंज्यूम हो रही है, उसमें हम लोग कंसर्न नहीं करते. कंसेप्ट होता है कि क्योंकि इट्स एन आउटलेट तो ये एक्सपेंसिव होगा, इट्स नॉट. इस आउटलेट को ओपन करने का और इस चेन को यहाँ पे ओपन करने का रीज़न ही यही है ताकि लोगों को ये नॉलेज दी जाए कि विथ दिस क्वालिटी, विथ दिस हाइजीन, द प्राइसेस कैन बी मेंटेन. और हमारी प्राइसेस मार्केट कंपेटिटिव एंड इवन सम पॉइंट मार्केट से भी कम है. और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्राइम क्वालिटी मटेरियल उनके पास डिलीवर हो सकता है. एंड कंज्यूमर्स को ईज देने के लिए हमने होम डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट करी है, जिसमें हम पूरे कराची में कहीं भी डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे.
जी दोस्तों, ये हमारे साथ थे बहजाद, जिनकी आपने स्टोरी सुनी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से इन्होंने अपने फादर के बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए इतनी मेहनत की। तो अब हम बहजाद को कहेंगे कि ये हमें अपनी कोई शॉप का जो है विज़िट करवाएं और हमें एक एक चीज़ के बारे में बताएं, और कुछ सवालात हैं हमारे वो हम इनसे करेंगे। बहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और अब आप पीछे देख रहे हैं डिस्प्ले कितना खूबसूरत लग रहा है, और आपको पता है कि हर पीस का अलग अलग नाम होता है, तो अब वो नाम हम पूछेंगे। बहजाद, हमें नाम कौन बताएंगे? सर, इसके लिए हमने एक्सपर्ट पूछे हायर करे हुए हमारे पास, और मैं चाहूँगा कि वही आपको तमाम डिटेल्स के बारे में बताएं, तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में। नाम बताएं। ये हमने इधर चाँप रखी हुई है, ये सीने का है, फुट का है, और अपने रान वगैरह का सब रखे हैं हम डिस्प्ले। कटिंग डेक्स है जहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स को कट किया जाता है, ठीक है। और द होल प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम दिस स्पेस। ये बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास सुबह प्रोडक्ट आता है फ्रेश, तो हम ये हमने हमारा चिलर है, इसमें हम इसको स्टोर कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा रीज़न, फ़ायदा हमारे पास यही है कि इधर हमारा प्रोडक्ट फ्रेश रहता है थ्रू आउट द डे, इट कैन गो फॉर डेज एज वेल, बट वी स्टोर इट हियर फर्स्ट। देन जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो यहाँ से हमारे बुचर्स जो होते हैं उस प्रोडक्ट को निकालते हैं, और देन कटिंग बोर्ड पर ला के इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद द होल प्रोसेस कम्स टू मी, जहाँ पर मैं इसकी टैगिंग एंड बिलिंग कर देता हूँ। अब टू बी प्रिसाइज रखने के लिए ना, हमने बाहर से मशीन्स मंगवाई हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास यू नो प्रोफेशनलिज्म रहे और हम लोग एडवांस रहें सिस्टम के साथ। अब हम बाहर मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पे कोई वेज नहीं है, यहाँ पे मींस ये है कि हमारे पास हमने तमाम मशीनरी रखी हुई है जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे बेकन हो गया, स्टेक्स हो गए, एंड देन बोन कटिंग हो गई, जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, उसको रन करने में बड़ा अच्छा फार्मेरे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो बुचर्स हैं वो आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो डिफरेंट मशीन जिस तरह हम उनको यूज़ करते हैं थ्रू आउट द होल सिनेरियो। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मशीन है, ये बेसिकली बोन कटिंग मशीन है, तो जहाँ पे हम रख के हमारे प्रोडक्ट को, बोन्स को कट करते हैं प्रिसाइज प्रिसिशन के साथ। जब मैंने इनका ब्रोशर देखा था, इनका ब्रोशर छपा था, तो वो मैं जब से आज चौथी दफ़ा आया हूँ यहाँ पर, तो पहली दफ़ा आया मेरे को लगा कि शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं बार बार आया हूँ। भले इनका अच्छा इन्वायरमेंट भी है, अखलाक भी है, हर चीज़ है, सफाई सुथराई भी है, बहुत माशाल्लाह अच्छा है। और घर पर ले जा कर मैंने दिखाया, घर वालों को भी पसंद आया, उन्हें ये लगा कि कहीं पते कहाँ से लेकर आ गए, उन्होंने बोले कोई अच्छी जगह से लाए हैं। अब जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो हैं राशिद असलम खान साहब, जो कि अमानी ट्रेडर्स के सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप हमें अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हम बेसिकली इस कारोबार से तकरीबन 7-8 साल से मुंसलिक हैं, और हम पहले इसको लाइव स्टॉक को ही डील करते थे, लाइव स्टॉक में हमारा काम था, उसके बाद फिर हम एक्सपोर्टर्स को भी सप्लाई देते थे। फिर हमने देखा कि जी ये हम खुद भी कर सकते हैं, जब हम एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, तो फिर हम इस फील्ड में आए और हमने खुद सेल्फ एक्सपोर्ट शुरू की अपनी। उसमें हम कतर करते रहे हैं, दुबई करते हैं, और ओमान, ये हमारे मेजर कंट्रीज़ हैं। और फिर हमने देखा लोकल मार्केट की तरफ, ख़ासकर इस कोविड की वजह से, चूँकि जैसे तमाम लोग मुतासर हैं इस कोविड से, और फिर हमने थोड़ा सा रुख किया अपना लोकल मार्केट की तरफ। लोकल मार्केट का तो हाल सभी को पता है कि यहाँ पे क्या बिकता है, लोग क्या लेते हैं और क्या खाते हैं। हमने टेस्टिंग के तौर पे इसको ऑनलाइन शुरू किया, तकरीबन 1-1.5 महीना हमने इसको ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन से हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। उसके बाद फिर हम डिमांड थी पब्लिक की कि जी आउटलेट आप लोग दें, आउटलेट दें, तो उस पर फिर हमने डिसाइड किया कि एक आउटलेट की तरफ जाना चाहिए, और फिर हमने उसको, ये हमने आपके सामने 19 दिसंबर को इसकी इनॉग्रेशन की, और उसके बाद फिर मीट, बेसिकली हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम मीट क्वालिटी, बीफ की, मटन की, चिकन में, और इसकी प्राइसिंग, प्राइस हमने बिल्कुल मार्केट
की रखी है जो आम मोहल्ले के अंदर जिन कीमतों पे ये चीज़ें फराहम की जाती हैं उन्हीं कीमतों पे हमने इसको दिया है लोगों के लिए। और ये हमारा दावा है कि हम जो बीफ़ दे रहे हैं, हम जो मटन दे रहे हैं, ये इसकी प्राइम क्वालिटी है, मतलब इससे ऊपर बीफ़ नहीं आता। तो यही वजह है कि जब से हमने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कस्टमर्स भी हैं और रिपीटेशन भी है, और अब तो लोग ऑनलाइन डिलीवरी ही घरों पे मंगा रहे हैं, और जो हमारे पिछले कस्टमर थे वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो हमने जो फोकस किया हुआ है मीट क्वालिटी के ऊपर, ये हमारा दावा है, जो हम मीट क्वालिटी दे रहे हैं इसको आप चेक करें और फिर हमें बताएं कि ये क्वालिटी जो है वो जो मार्केट में मिल रही है। मार्केट के अंदर एक हमारा सर्वे कि 95% जो है वो मिलावटी गोश्त है, प्रेशर वाला है और हाइजेनिक नहीं है। फिर मुख्तलिफ इलाकों में लोग ख़ुद ही ज़बा कर लेते हैं, अपनी दुकानों के आगे गिरा लेते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने फोकस किया अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये हमारी एक प्रोडक्ट है, मतलब हम बेसिकली हम इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, जनरल ऑर्डर सप्लायर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, और भी हमारे आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें चारकोल है, उसके अंदर प्रिंग रॉक सॉल्ट है, हिमालयन रॉक सॉल्ट जिसे आप कहते हैं वो है, और दूसरे आइटम्स भी हैं, ऑनिक्स मार्बल भी है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट लाइन है, जो हमारी कमोडिटी है, उसके अंदर एक ये प्रोडक्ट भी है जो हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है अमानी फ्रेश मीट के नाम से। इसको हमने लोकली इंट्रोड्यूस करवाया है और इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह बग फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, स्मोक फ्री मिलेगा, मतलब प्रेशर फ्री मिलेगा, मिलावट से पाक मिलेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आप आएँ चेक करें और फिर हमें उसका फीडबैक दें। जी तो माशाल्लाह मैंने ख़ुद भी ये जगह पूरी विज़िट की है और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उस लिहाज से तो मैं तमाम लोगों को रेफ़र करूँगा कि वो ज़रूर यहीं से ही परचेज़ करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे कराची में जो है डिलीवरी करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राशिद असलम ख़ान साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और अपने तमाम सेटअप के बारे में बताया। जो भी व्यूअर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे तलहा के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जी दोस्तों, तो ये आज का हमारा व्लॉग था, बहुत ही स्पेशल था और उम्मीद है आप लोगों को भी, आप लोगों के लिए भी एक ये नई चीज़ थी। इफ्तखार आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें कितनी रेटिंग देनी चाहिए? जी सफाई के हवाले से और गोश्त भी काफ़ी अच्छा है, रेट भी काफ़ी मुनासिब है, तो रेटिंग हमारी होगी 10 में से 10। 10 में से 10 क्योंकि इतना साफ़ सुथरा गोश्त तो इम्पॉसिबल है। मैं चाहूँगा कि यार और भी एरियाज में इनकी शॉप्स ओपन होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जो गोश्त काट रहे हैं, दे रहे हैं, पैकिंग में दे रहे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। हमने रिव्यूज़ लिए थे कस्टमर्स के, वो भी बहुत अच्छे थे। तो इफ्तखार मिलते हैं हम, तो कुछ कहना चाहेंगे? जब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी हमारी आपके लिए, गुड बाय, कुछ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।